कभी अखाड़ों में अपने विरोधियों को चित करने वाला पहलवान अब प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए ताल ठोक रहा है। वो राजनीति का मंजा हुआ महारथी है, साइकिल से चलकर सांसद तक पहुंचा, समाजवाद के आंदोलन से शुरुआत की तो समाजवादी पार्टी बना ली, समाजवाद से सियासत तक के सफ़र में नेताजी का यादव वंश राजनीति का सबसे बड़ा कुनबा बन गया। हम आपको दिखाएंगे मुलायम सिंह यादव के खानदान की पूरी कहानी। 1960 का दशक देश में समाजवाद की लहर थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद के सबसे बड़े पैरोकार थे। इसी वक्त यूपी के छोटे से गांव सैफई के आसपास समाजवादियों की कई रैलियां होती। 15 साल के मुलायम सिंह यादव ऐसी रैलियों में अक्सर हिस्सा लेते। समाजवादी सिद्धांतों के समझ, अमीरों और गरीबों में समानता की बातें होती। ऐसे मुलायम के दिल में समाजवाद ने जगह बना ली। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का एक पिछड़ा गांव सैफई, इसी गांव का एक लड़का अखाड़े में तेजी से पहलवानी के दाव पेच सीख रहा था। बेहद ही साधारण परिवार का बेटा मुलायम सिंह कुश्ती को अपना भविष्य मानता था। पिता सुघर सिंह यादव किसान थे। 5 बेटों में से मुलायम को खुद ही अपनी देखरेख में कसरत करवाते। मुलायम अपने से बड़े कद और काठी के पहलवानों को चरखा दांव लगा मिनटों में चित्त कर देते तो पिता का सीना और चौड़ा हो जाता। राज्य में उस वक्त सिंचाई के बढ़े हुए दामों को लेकर किसानों में गुस्सा था। डॉक्टर लोहिया ने यूपी में कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। लोहिया के भाषणों से प्रभावित मुलायम नहर रेट आंदोलन की रैलियों में सबसे आगे दिखते। कांग्रेस सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए राम मनोहर लोहिया और कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 15 साल के मुलायम भी गिरफ्तार हुए। जेल से जब वापस लौटे तो समूचे गांव ने उनके अपनी सराखों पर बैठा लिया। अब कुश्ती के साथ समाजवादी आंदोलन में मुलायम की दिलचस्पी और बढ़ने लगी। बीए के बाद मुलायम बैचलर ऑफ टीचिंग का कोर्स करने के लिए सिकोहाबाद चले गए। शादी बचपन में ही हो गई थी, इसलिए घर चलाने के लिए 1965 में मुलायम करहल के जैन इंटर कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने लगे। वो मास्टरी के साथ दंगल लड़ते और समाजवादियों की रैलियों में जाते। कोई उन्हें मास्टर जी कहकर बुलाता, कोई नेताजी। मैनपुरी के एक ऐसे ही दंगल में जसवंत नगर के MLA नत्थू सिंह की नज़र मुलायम पर पड़ी।